नमस्कार दोस्तों, आईटी कंप्यूटर गुरुजी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लिब्रे ऑफिस कैल्क का बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे स्प्रेडशीट क्या होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं जो आज के डेट में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के इंटरफेस के बारे में भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसमें जो पहला टॉपिक है ये है व्हाट इज स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट क्या होता है। तो जहाँ तक बात की जाएगा स्प्रेडशीट की, तो स्प्रेडशीट एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन की बनी हुई एक ग्रिड जाल होती है, जिसमें डेटा एंटर कर उन्हें आसानी पूर्वक कैलकुलेट किया जा सकता है। और ये जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं गाइज, इन्हीं को हम रोज एंड कॉलम कहते हैं, और स्प्रेडशीट जो होता है ये इन्हीं से मिलके बनता है। नेक्स्ट है व्हाट इज लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसे लिब्रे ऑफिस के सभी संस्करणों मीन्स वर्जन में एक प्रोग्राम के रूप में शामिल किया गया है। लिब्रे ऑफिस कैल्क को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, जिसको हम आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो पर्सनल कंप्यूटर पीसी के लिए विकसित किया गया पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बिजी कैल्क था। इसके अलावा और भी कुछ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए, जैसे लोटस 1-2-3, क्वाट्रो प्रो, बीबी प्लानर प्लस, मल्टीप्लान, एमएस एक्सेल और लिब्रे ऑफिस कैल्क, ये कुछ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट जहां तक बात की जाएगा लिब्रे ऑफिस कैल्क के इंटरफेस के बारे में, तो सबसे पहले लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करने के लिए आपको यहां स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद गाइस, हम यहां पे लिब्रे ऑफिस को चूज करेंगे। लिब्रे ऑफिस पे क्लिक करने के बाद लिब्रे ऑफिस कैल्क पे क्लिक करना है। जैसे आप लिब्रे ऑफिस कैल्क पे क्लिक करेंगे गाइस, इस तरह से लिब्रे ऑफिस कैल्क का इंटरफेस आएगा। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे वर्क किया है गाइस, तो ये सेम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसा ही प्रोग्राम है। लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बस दोनों में अंतर यह है कि लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक लाइसेंसी सॉफ्टवेयर होता है। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है लिब्रे ऑफिस कैल्क का, जिसमें आज के क्लास में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के इंटरफेस के बारे में जानेंगे। अगर आपने लिब्रे ऑफिस राइटर पे या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे वर्क किया है, तो आपको कैल्क में काम करना बहुत आसान लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे जहाँ अनटाइटल 1 लिखा है लिब्रे ऑफिस कैल्क, ये इस विंडो का टाइटल बार है। इसके राइट साइड में ये मिनिमाइज का बटन है, ये रीस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज का बटन होता है, ये इस विंडो का क्लोज बटन है। टाइटल बार के जस्ट नीचे ये मेनू बार है, जहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क के मेनू दिए गए हैं। इसके जस्ट नीचे पूरा टूल बार एरिया है। टूल बार के ऊपर ये जो फर्स्ट रो दिख रहा है गाइस, इसको स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। उसके जस्ट नीचे ये जो दूसरा रो है, ये फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे ये जो बॉक्स है, इसका नाम है नेम बॉक्स, और नेम बॉक्स के राइट साइड में आएंगे तो ये फार्मूला बार या इनपुट लाइन होता है। इसके जस्ट नीचे आप आएंगे तो जहाँ पे ये देखिए ABCD, इसको कॉलम लेटर या कॉलम की हेडिंग कहते हैं। और सेम ये जो 1-2-3 दिख रहा है गाइस, इसे रो नंबर या रो की हेडिंग कहते हैं। जहाँ पे एक कॉलम का लाइन और एक रो का लाइन मिलता है, वहाँ पे एक सेल बन जाता है। तो सिंपली आप कह सकते हो जो सेल होता है ये रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। इस विंडो के राइट साइड में आएंगे, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, इसका नाम है साइड बार। और यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये स्टेटस बार दिया है इस विंडो का, और स्टेटस बार के ऊपर ये सीट टैब दिए गए हैं, जहाँ से आप ये प्लस के आइकन पे क्लिक करके और नए सीट ऐड कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क वर्कबुक के अंदर। तो इस वीडियो लेक्चर में गाइज हम इतना ही रखते हैं, जहाँ पे हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क के इंटरफेस के बारे में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम इस वर्कशीट में डेटा एंट्री करेंगे, और डेटा एंट्री के साथ साथ हम वर्कशीट की फॉर्मेटिंग करना भी सीखेंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर गाइज।